हरियाणा की जनता स्तब्ध भी है और हरियाणा शर्मसार भी किया है चौटाला जी और खट्टर साहब की जोड़ी ने। कल देर शाम ये वो फरमान है जो मैं आपके टेलीविजन पर दिखाना चाहूँगा, जो खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला सरकार ने जारी किया। हरियाणा की सरकार का चुनाव हुआ था हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के कल्याण के लिए, पर लगता है कि खट्टर जी और चौटाला जी की जोड़ी शराब कारोबारियों का कल्याण, शराब की फैक्ट्रियां चलवाना, होलसेल और रिटेल के ठेके खुलवाना और शराब की बिक्री करवाने को ही अपना कर्तव्य मान बैठी है। याद करिए, क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा मोदी जी हमेशा कहते हैं। सबसे पहले आबकारी नीति में 1,000 रुपया में लाइसेंस दिए ताकि 40 से 46 बोतल शराब की हर घर में रहकर शराब के ठेके खुल जाएं। उसके बाद लॉकडाउन में शराब के ठेके बंद ही नहीं किए गए। जनता ने इसका विरोध किया तो ठेके तो बंद हुए, पर शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई, कालाबाजारी और तस्करी ओने पौने दाम पर, जो आज भी जारी है। क्या खट्टर साहब या दुष्यंत चौटाला जी बताएंगे एक आदमी या एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ? और अब नया फरमान जारी कर दिया कल 11 अप्रैल को, और वो ये है कि हर शराब की फैक्ट्री फौरन चालू हो, रिटेल और होलसेल का काम चालू हो और शराब की नदियां हरियाणा में बहें। क्या कोरोना से इस प्रकार से जंग लड़ी जाएगी? प्रश्न सीधा ये है, इस तरह के तुगलकी निर्णय ने खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी की इस जोड़ी ने पूरे हरियाणा को स्तब्ध कर दिया है। वो दिशा भ्रमित और दशा भ्रमित है। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।